अस्सलाम वालेकुम। आज ये टोयोटा शोरूम पे आए हम लोग, और बताना ये है यहाँ पे कि ये हम लोगों ने गाड़ी बुक की थी। मैंने सियाना गाड़ी बुक की थी तकरीबन 9 से 10 महीने पहले। तो आज मुझे ये गाड़ी मिल चुकी है, 2023 मॉडल गाड़ी मुझे मिल चुकी है। ये हम लोगों ने गाड़ी बुक की थी वेंसर से, और वेंसर से हम लोग जो है बल्कि मिसिसागा से वेंसर आया। साढ़े तीन घंटे ड्राइव है। तो ये भाई के साथ आए थे इस गाड़ी में, और गाड़ी हमें मिल चुकी है। गाड़ी जो है, इस गाड़ी को मैं बताऊं कि हमने वेंसर में क्यों बुक की थी। ये भाई मेरे यहाँ पे काम करते थे, इनकी वजह से गाड़ी बुक की थी हमने। भाई आप यूट्यूब में आ जाएंगे, ठीक है। ये इनके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ, और ये भाई ने ही जो है ना गाड़ी बुक की थी, पोमी तसव्वुर हुसैन ने। तो आज इन्हीं की वजह से इन्हीं के साथ आए हैं, और ये गाड़ी मुझे तकरीबन 9 से 10 महीने बाद ये गाड़ी मुझे आज मिली है। तो अभी हम वापस घर की तरफ जाएंगे, भाई की गाड़ी जाएंगे इधर। तो बस ये वीडियो यहाँ बनाना ज़रूरी थी। बाकी अंदर का जो फंक्शन है वो आपको बताते हैं, और सब यही कहते हैं गाड़ी आपको टाइम पे मिल गई है। अभी तकरीबन सब गाड़ियाँ जो है 1 साल का टाइम मांग रहे हैं, एटलीस्ट 1 साल से लेकर 1.5 साल का टाइम है। चलें, बहरहाल अंदर ये कोई तसव्वुर भाई हैं, इनके तो सारे अंदर जान पहचान है कि इन्होंने गाड़ी यहाँ से बुक की थी। तो गाड़ी फरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है जी, और बाकी जो अंदर की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ गाड़ी के, वो अंदर जाके गाड़ी के अंदर ही जाके बताऊँगा डेफिनेटली। और गाड़ी पूरी लग्जरी गाड़ी है, ठीक है जी। डोर भी इसके ऑटोमेटिक हैं, लेके निकल चुके हैं। और यहाँ से मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मैं यहाँ से विंसर में आए हैं। ये बिल्कुल यूएस के बॉर्डर के पास है विंसर। तो हमारा घर तकरीबन यहाँ से 300 किलोमीटर है, 3.5 घंटे की जो है हमारे ड्राइव है। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी बुक की थी, और गाड़ी बड़ी लग्जरी है, हर चीज़ ऑटोमेटिकली है, हर चीज़ ऑटोमेटिक है, 2023 मॉडल है। और अभी बहुत सारी चीज़ें हीटिंग देख रहे थे हमें, हैंडल स्टेयरिंग की हीटिंग है, उसी हीटिंग हम चेक कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज़ मैंने जो, खैर ये सब बहुत गाड़ियों में आ चुका है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र नहीं आई कि यहाँ अगर आपने लोकेशन फाइंड करनी है तो 24 आवर सर्विस, अगर आपको लोकेशन फाइंड नहीं हो रही, मिल नहीं रही, तो आप उसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे कस्टमर सर्विस पे कॉल चली जाएगी, और आपको 24 आवर्स जो है आपको लोकेशंस जो है वो बता देगा कहाँ पे आप गलत जगह पे खड़े हैं और कहाँ आपने जाना है वो बताएगी, मैनुअली आपको सारा एक्सप्लेन करेगी। ये और गाड़ियों में भी होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे आज पता चला कि जब मैंने क्लिक किया तो वो वहाँ से कॉल उठा ली, तो फिर मुझे सारी चीज़ों का थोड़ा नॉलेज हुआ, पहले मुझे भी नॉलेज नहीं था। खैर अब ये गाड़ी हाइब्रिड है, और बिल्कुल स्टार्ट होती है, बहुत सी गाड़ियाँ हाइब्रिड्स हैं, ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ आज पहली दफ़ा हाइब्रिड्स देखी है, बहुत गाड़ियाँ हैं। लेकिन इसमें यह है कि ये 7 सीटर गाड़ी है, फैमिली कार है, तो मोस्टली फैमिली कार्स बहुत कम होती हैं, 5 सीटर्स में तो हाइब्रिड्स बहुत ज़्यादा हैं, अब तो इलेक्ट्रिक कार्स हैं। तो इसको फर्दर जैसे जैसे मुझे भी चीज़ों का पता लगेगा, और फिर मैं आपको भी साथ थोड़ा बताऊंगा। अभी तो रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में दिखाया मत। ये हम लोग जो है लेक शोर जो है विंसर का एरिया, यहाँ से अभी हम लोग ये हाईवे पे चढ़ गए। ओके, तो हम लोग रात को पहुँचे थे लेट, तो रात को तो देख नहीं सके गाड़ी को, और सुबह जब हम उठे तो स्नो पड़ चुकी थी। हालाँकि स्नो पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से नहीं पड़ी। तो ये गाड़ी जो है ये आप देख लें, और बाहर भी हालत देख लें क्या है ये गाड़ी की हालत। अब क्या आपको रिव्यू देंगे, पर इसे क्लीन करेंगे फिर रिव्यू देंगे। पड़े तो यहाँ से स्नो रिमूव करनी पड़ेगी, स्नो के लिए जो है ना हमने बंदे हायर किए हैं कुछ, वो आके स्नो रिमूव करेंगे फर्स्ट, फिर आगे चलेंगे। चलिए, बंदे जो मैंने अंदर बंद किए हुए हैं, तो पहले मैं आपको बंदे दिखाता हूँ, देखिए जी। ये 3 बंदे मैंने हाइड किए हैं स्नो रिमूव करने के लिए। तो ये स्नो यहाँ से नहीं, ये दूसरा होता है स्नो, आपने यहाँ से रिमूव करनी है, जैसे इधर आए यहाँ से रिमूव करना शुरू करें प्लीज। We'll be right back.
बाद जो है चल पड़े यहाँ से, दो तीन फंक्शंस मतलब जो लग्जरीज गाड़ियाँ हैं लैंड क्रूजर वगैरह, ओडी वगैरह या टेक्सस वगैरह, टेक्सल क्या टेस्ला सॉरी टेस्ला में है, तो ये जो कारवान गाड़ियाँ सेवन सीटर, इसमें फर्स्ट टाइम ये चीज़ें जो ना ऐड हुई हैं, जैसे कि रोड पे अगर राइट लेफ्ट जाएगी तो ऑटोमेटिकली वापस अपनी लाइन में आ जाएगी, वो चीज़ इसमें इसके अंदर है एक है। पर उसके बाद जो है इसकी स्पीड डिस्टेंस जो है वो रखती है, इसके अंदर गैप रखती है, और इसके ऊपर दूसरा ये जो ऊपर उन्होंने ये दिया है रूफ, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इस गाड़ी के अंदर जो है ना चीज़ें ऐड हुई हैं, वो मैं भी आस्ता आपको बताऊंगा, मैं खुद भी थोड़ा सा लर्न कर रहा हूँ साथ साथ। मतलब तीन चार जैसे टेलीफोन असिस्टेंट असिस्टेंस दिया है इन्होंने, मतलब ये मैडम भी बोल रही है साथ साथ। अच्छा उसमें ये है कि अभी टेलीफोन असिस्टेंस दिया है 24/7, वो मैंने आपको पहले भी शायद बता दिया, तो उसमें ये होता है आप उसको मिला के उसको बता दें मुझे इस एड्रेस पे जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको इस एड्रेस पे खुद ऐड कर देगी। तो ये चीज़ें इसमें हैं, मतलब ये गाड़ी में पहले ये चीज़ें नहीं थी, ये 23 जो गाड़ी आई है सियाना गाड़ी, उसके अंदर ये चीज़ें जो है ना उन लोगों ने ऐड की है। तो उसके बाद ये गाड़ी जैसे है, पहले ये गाड़ी में नहीं था, मोबाइल से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, बहुत सी गाड़ियों में ये चीज़ें हैं, लेकिन इस गाड़ी के मतलब जो सियाना है जो सेवन सीटर उसमें पहले नहीं थी। गाड़ी जो मोबाइल से आप स्टार्ट कर लोगे, मोबाइल से आप हीटिंग लगा लोगे, मोबाइल से आप गाड़ी ब्लॉक कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, मतलब अनलॉक लॉक अनलॉक स्टार्ट, ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में भी चीज़ें आई हैं। तो अदरवाइज ये गाड़ी जो है एक परफेक्ट फैमिली गाड़ी है, और मैं इसको अभी मेरी मिसेज गाड़ी चला रही हैं, तो और अच्छा मैं आपको ये दिखाता हूँ पीछे, ये हमारे बैठे हुए शहजादे सुनो इन्होंने साफ किए मेहनत किए थके हुए बैठे हैं तो बहरहाल एक अच्छा है अच्छी फैमिली कार है, और बहरहाल इसके एक दो फंक्शन मैं आपको और बताऊंगा इसके। इस गाड़ी में ये फंक्शन पहले नहीं है, बहुत सारी गाड़ियों में पहले हैं, मिसाल के तौर पे क्रूज़ तो तकरीबन हर गाड़ी में ही आ गया आजकल, क्रूज़ लगा दिया आपने, ठीक है, ये तो नॉर्मल थिंग। फिर आपने जैसे हमने देखे आपको नज़र आ रहा है डिस्टेंस मेंटेन, डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, ये आ गया, और उसके बाद जो सब रोड में रखेगा, रोड में मिडल में रखेगा गाड़ी को, तो और गाड़ी जो राइट लेफ्ट टर्न नहीं करेगी, जैसे मैंने ये छोड़ दिया, अब ये गाड़ी खुद चल रही है, ठीक है, मैंने ये हाथ हटा दिए, ठीक है, अब गाड़ी दोनों जो नाइन्स हैं उसके मिडल में रहेगी, ये चीज़ मुझे इसकी बड़ी पसंद आई है। लेकिन इसमें यह होता है कि थोड़ी देर बाद आपको जैसे वो देखें LTA होल्ड स्टेयरिंग व्हील्स, ये आपको थोड़ी देर के बाद कहता है कि व्हील स्टेयरिंग जो है ना आप होल्ड करो, ये देखें वापस आ जाएगा, बार बहुत तेज़ हवा भी है और स्टीयरिंग देखें खुद मूव कर रहा है, ये देखें वापस फिर आ गया, स्टीयरिंग खुद मूव कर रहा है खुद आ गया, ये मैंने जो है वापस हाथ रख लिया। तो ये जो लग्जरीज गाड़ियाँ आती हैं उनमें तो ये सब चीज़ें थी, ये सेवन सीटर पहले इसमें नहीं होता था, खैर ये अभी आ गया। अच्छा खैर चले मैंने क्रूज़ रिमूव करता हूँ, सारी चीज़ें रिमूव करता हूँ, ठीक है, ये भी रिमूव करता हूँ, ये भी रिमूव कर लिया, सारा रिमूव हो गया। अच्छा अब इसमें ये है, अभी चलते हैं आपको ये दिखाते हैं, अभी कभी भी आइस पड़ेगी तो ये आपको रोड का बैलेंसिंग का खुद ही बताएगा कि रोड में जो है कर्व है और स्नो है, ये खुद आपको बताएगा। फिर उसके बाद आपको चलते हैं जी, ये आ जाते हैं, ये मीटर आ गया, मीटर के बाद गाड़ी की जो फ्यूल है उसके बारे में बता रहा है, फिर गाड़ी कितनी इको है, कितनी जो है गाड़ी जो है बैटरी पे चलेगी और कितनी इस पे चलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये नॉर्थ वॉर्थ ये सब गाड़ी का बताता है, म्यूज़िक आ गया, फिर ये गाड़ी का ये जो है इस गाड़ी में ये बताता रहता है कि ये गाड़ी जो है बैटरी पर कितनी चल रही है और ये इंजन पे या पेट्रोल पे कितनी चल रही है, क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड गाड़ी है, तो ये देखें अभी दोनों पे चल रही है, उसने दोनों को बताया है गाड़ी को कि स्मूथ जा रही है, इसलिए वो दोनों देखें अभी इंजन पे आ गई, तो ये चीज़ इसके अंदर है। गाड़ी में एयर का जो है सिस्टम कितने टायर्स में है, फिर उसके बाद ये गाड़ी के एक्सीडेंट के लिए जो वही चीज़ PCS, इसका मुझे फुल फॉर्म नहीं पता, ये वही गाड़ी आपको बताएगा अगर वो लगा हुआ है तो गाड़ी को रोकेगा, गाड़ी को टच होने नहीं देगा। तो बहरहाल ये गाड़ी के रोड जमो मैंने बता दिया भाई, ओवरऑल गाड़ी को अगर मेन चीज़ों पे जाके देखा जाए तो गाड़ी इज़ परफेक्ट। इस सेवन सीटर के अंदर ये गाड़ी जो है ना आप ये कह सकते हैं कि परफेक्ट है, और इसका जो इंटीरियर है इंटीरियर इसका बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, सीट्स वगैरह आप देखेंगे इसकी जो है लेदर सीट्स बहुत अच्छी हैं,
ऊपर ये आ गया जबरदस्त, ये भी है विंडो आप ओपन करें। लेकिन ओवरऑल इस गाड़ी का मुझे इसलिए पसंद आई कि वो जो लग्जरी गाड़ी के अंदर होती है कि उन्होंने सब कुछ सेवन सीटर गाड़ी के अंदर भी ये सारी चीज़ें दे दिया। ये 2023 मॉडल है, बहरहाल ये मैंने गाड़ी तकरीबन 10 महीने में मैंने पहले बता दिया टाइम लगा गाड़ी मिली, 2023 मॉडल है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रस्ते में हैं, तो मैंने कहा चलो जाते जाते जो बाकी वीडियो रहती है ये सारा व्यू बना के रिव्यू बना के आपको लोगों को दे दूँ। बहरहाल ओवरऑल ये गाड़ी सेवन सीटर के लिए बेस्ट है, फैमिली गाड़ी है और परफेक्ट है। पीछे सीट्स जो के पीछे बैक यार्ड में उसकी जगह काफ़ी है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ठीक है, इवो मोड में भी आ जाता है होल्ड। अगर आप किसी खड़े हैं किसी जगह पे हिल में हैं तो ये होल्ड का बटन आप होल्ड भी कर सकते हैं। हैंड ब्रेक इसकी ऑटोमेटिक है, खुद खुद लगती है, आपने नहीं लगानी, खुद खुद इसकी हैंड ब्रेक लगती है। बाकी गाड़ी में बाहर से बाकी व्यू मैं आपको बताता हूँ। भाई मुझे जो चीज़ें समझ आई हैं वो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाला बटन, ये इमरजेंसी बटन है, ठीक है। ये इमरजेंसी बटन दबाएंगे आपको तो खुद ही कॉल सेंटर पे जाएगी कॉल, और कॉल सेंटर से सीधी एम्बुलेंस या पुलिस जब वट एवर उसमें जाएगी। मैंने तो खैर प्रेस नहीं किया अभी तक, तो बाकी बाहर कंटेनर में आपको दिखाता हूँ। बाहर में एक दो चीज़ें इसकी एक्स्ट्रा हैं वो ज़रा अच्छी हैं। अच्छा जी, हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। एक अच्छा एक गाड़ी में एक चीज़ ये है सेंसर, ये साइड डोर का सेंसर। एक तो बैक डोर का सेंसर आता है ना, ये बैक डोर का सेंसर है, मतलब साइड डोर का सेंसर है। इसको आपने नीचे, ये मैंने नीचे पाँव मारा है और ये डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो गए। ये जो बैक डोर होता है उसके तो आते हैं, ठीक है, और ये जो एक मिनट की बड़ा, ये देखो गाड़ी के पीछे जो है विंटर मैट है। गाड़ी क्या सारी बात है, गाड़ी थोड़ी सी अब बच्चे यूज़ करते हैं तो सारी बात है ये चीज़ें होंगी। बहुत अच्छा इसका इंटीरियर है, इंटीरियर मुझे इसका बड़ा पसंद आया गाड़ी का। और बैक डोर में ये आप सेंसर आपने देखा है, और ये बैक पे भी इसका सेंसर है। ये तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, ये हाइब्रिड है, ये इसके ऊपर निशान दिया हुआ है, और अदरवाइज गाड़ी की लुक भी बहुत अच्छी है, परफेक्ट कार है, एक फैमिली कार में ये परफेक्ट कार है। तो चलें जी, ठीक है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर मिलते हैं जी, नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रक में मिलते हैं।